कैसे हो आप लोग। मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। सो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि आप अपना जो YouTube चैनल का SEO जो जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाखों वीडियोस होते हैं YouTube पर। तो मेरी जो एक वीडियो है जिम लवर्स पे, आप ज़रूर सर्च करिएगा हाउ टू यू सेंड योर मास, वो दूसरे नंबर पे आती है। कई बार पहले नंबर पे भी आ जाती है अगर आप पूरे कीवर्ड्स प्रॉपर लिखो हाउ टू यू सेंड योर मास इन हिंदी। तो बहुत सारी नई यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ला रहा हूँ, क्योंकि फाइनली मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं उस वाले चैनल पे जो मेरा जिम लवर्स यूट्यूब चैनल है। ये वाला मैं प्रियांशु वीलॉग्स इसलिए ओपन किया है ताकि मैं एक तो अपना जो भी मैं वीलॉगिंग करता हूँ जहाँ जाता हूँ मैं उसके बारे में बता सकूँ, और सेकेंड है आप जैसे यूट्यूबर्स की हेल्प कर सकूँ जो बिगनर्स हैं जिन्हें कुछ पता नहीं है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है कि हमारी वीडियो बहुत सारी वीडियोस बनी होती है। ध्यान से सुनिएगा गाइस जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो चाहे आप एक नोटबुक पे लिख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी चीज़। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम है, यूट्यूब कोई इंसान नहीं है, यूट्यूब एक मशीन है, ठीक है। तो उसके अगर कोई इंसान होगा तो वो उसको हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी, हर एक वीडियो इसलिए देखनी पड़ेगी क्योंकि रैंक भी करनी है कि हाँ ये वीडियो ऊपर जा रही है तो इस वीडियो में दम है, तो ये वायरल हो जाती है चीज़, ठीक है। तो रैंकिंग कैसे करनी है, सबसे पहले अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो ना, उसके रिलेटेड आपको क्या करना है, सर्च टैब पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बनाता हूँ किसी वीडियो पे हाउ टू इंक्रीज योर चेस्ट साइज, ठीक है, तो बहुत सारी सर्च रिजल्ट आएंगे, कितनी वीडियो बन चुकी हैं। कम से कम अगर आप सर्च करोगे उसमें रिजल्ट्स आता है कि कितनी वीडियो बन चुकी है। फॉर एग्जांपल 5 to 10 lakhs वीडियो बन चुकी हैं उसमें, तो उसका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर आप थोड़े से अपने जो कीवर्ड्स है उसके फेरबदल करोगे, आगे पीछे करोगे, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा कि जैसे 5 to 10 lakh का रिजल्ट था वो अचानक 10 से 20,000 या 40,000 के बीच में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू ग्रो योर चेस्ट, इतने में आ गया तो 10 lakh, ठीक है, 10 lakh वीडियो बन चुकी हैं। नेक्स्ट हाउ टू ग्रो योर चेस्ट इन हिंदी, तो वो कॉम्पिटिशन आधा इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि हिंदी लैंग्वेज सिर्फ यहाँ पे इस साइड नॉर्थ साइड ज़्यादा यूज होती है, साउथ साइड लोग जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे लोग इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा प्रेफर करते हैं और ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, सबसे पहले अगर आपका चाहे इंटेक चैनल है, चाहे फिटनेस चैनल है, चाहे गेमिंग चैनल है, चाहे रोस्टिंग वाला चैनल है कैरी मिनाटी, और चाहे कॉमेडी चैनल है, सबसे पहले कोई भी अगर आप टॉपिक पे वीडियो बनाते हो वो टॉपिक जरूर सर्च करना कि किसी ने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई है। अगर ऑलरेडी बनाई है तो आपको जल्दी से जल्दी उस पे सर्च करना है कि फॉर एग्जांपल आपको वो कीवर्ड्स मिलेंगे कहाँ से। अगर हम कोई वीडियो बना रहे हैं हमें कीवर्ड्स की भी ज़रूरत होती है कि यार वो कीवर्ड्स मिलेंगे कहाँ से, कि अगर हमने वीडियो बनानी है और ज़्यादा व्यूज़ पाने हैं तो कीवर्ड्स मिलेंगे कहाँ से। सिंपल जवाब है, वो है YouTube से आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। YouTube से कैसे मिलेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्च करते हो कोई भी बेस्ट कार, अपने आप वो ऑटोफिल आ जाता है, बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगी। वो जो लिस्ट होती है ना नीचे 10 से 12 रिजल्ट्स आते हैं जिसपे हम क्लिक करते हैं, पूरा टाइप करते भी नहीं है, वो नीचे आ जाता है। वो जो रिजल्ट्स वो ऑलरेडी सर्च्ड हुए होते हैं, लोगों ने उसे सर्च किया होता है और वो जो ऐसे वो YouTube के सर्च इंजन में अपने आप ही ऑटोफिल आ जाता है, तो लोग उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हालांकि वो जो चीज़ें होंगी ना नीचे, उसको आप टैग्स में यूज़ करना है। टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि टैग्स कहाँ से यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लाएँ टैग्स, कहाँ से आते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है टैग्स का। सो सबसे पहले हम हमारी वीडियो की रैंकिंग करेंगे कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आए और हमारी वीडियो थोड़ी सी टॉप पे आए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल ट्यूब बडी एक एप्लीकेशन है, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए, अदरवाइज ट्यूब बडी का एक लिंक है उसके साथ अपना अकाउंट लिंक कर लीजिए। वो क्या करता है ट्यूब बडी, एक तो आपका सारा चैनल बताएगा कि चैनल में गलती कहाँ कहाँ पे हुई है, डिस्क्रिप्शन में गलती हुई है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहे,
और टाइटल डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रहे और या तो सब्सक्राइब तभी नहीं कर, कितने सब्सक्राइब्स कर लिए लोगों ने, कितने सब्सक्राइबर हो गए, लाइक काउंट डाउन हो गया, वो सारा आपको गलतियां बताता है। और हालांकि ट्यूबबडी आपको ये भी बताएगा कि जैसे अगर दूसरा यूट्यूब चैनल है उसके उसने उस यूट्यूबर ने कौन से मतलब टैग्स यूज़ किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, तो ट्यूबबडी यही सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो आपको ट्यूबबडी इंस्टॉल करना है, ठीक है, रैंकिंग करवानी है ना वीडियो की, ये लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक, ओके, टॉपिक सर्च करना है कौन सा ट्रेंडिंग जा रहा है, ठीक है, ट्रेंडिंग टॉपिक सर्च करके सेकंड है उसको उसके कीवर्ड्स ढूंढने। कीवर्ड्स कहाँ से ढूंढने, मैंने आपको बताया यूट्यूब चैनल से ढूंढने। यूट्यूब पे लिखोगे हाउ टू डैश डैश, जो अपने आप ऑटोफिल आ जाता है, वो आपके कीवर्ड्स हो गए। वो कीवर्ड्स आपको टाइटल में भी यूज करने हैं, टाइटल ऐसा रखना है, ठीक है, टाइटल में यूज करके डिस्क्रिप्शन में भी यूज करने, डिस्क्रिप्शन में यूज करके उसको टैग में भी डालना है। जो टाइटल होगा उसको डिस्क्रिप्शन में भी डालना है, डिस्क्रिप्शन में डाल के टैग्स में भी डालना है, ठीक है, टैग्स में भी डालना है जरूर। ये अगर तीनों चीजें मैच होंगी तभी वो आपके यूट्यूब के सर्च इंजन में जाएगी। आपने कभी कभी देखा होगा कि जिनके 3000 या 4000 सब्सक्राइबर है उनके कई बार 40-50,000 व्यूज हो जाते हैं, और वीडियो होती है सिंपल, जो हमने भी बनाई होती है, बट वीडियो सिंपल होती है, कई बार 40-50,000 सब्सक्राइबर मतलब व्यूज चले जाते हैं और 3-4,000 सब्सक्राइबर्स रहते हैं, बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, ठीक है। सेकंड है जो उसके बाद जो स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ वो है वॉच टाइम। वॉच टाइम लोग समझते हैं उसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वॉच टाइम क्या होता है, हालांकि आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ये मैं वीडियो अपनी 5-7 मिनट की बनाऊंगा, क्यों 7-8 मिनट बनाने का ये मेरा मोटिव है कि कम से कम जितना जो व्यूवर है वो 1-3 मिनट मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो को देखे। 3 मिनट की वीडियो मतलब अगर 7 मिनट में वो 3 मिनट की वीडियो देख रहा है या 3.5 मिनट की वीडियो देख रहा है, इट मीन्स वो 50% उसका वॉच टाइम ऐड हो रहा है, तो YouTube को लगेगा कि हाँ इस बंदे में कुछ ना कुछ दम है कि 50% लोग इसे देख रहे हैं, लाइक 50% वॉच टाइम इसी में जा रहा है, तो वो रिकमेंडेशन आती है। आपने कभी देखा होगा कोई भी आप YouTube की वीडियोस खोलोगे ना, कोई भी YouTube वीडियो देखोगे उसके साइड में ना रिकमेंडेशन आती है। रिकमेंडेशन आने के लिए मतलब वो रिकमेंडेशन तभी आएगी जब आपका वॉच टाइम अच्छा होगा। और आपने कई बार देखा होगा कि दो मतलब अगर दो सेम टॉपिक है, मिलियन वाला व्यूज नीचे होता है और जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं वो ऊपर चला जाता है, उसका यही रीजन है वॉच टाइम का। तो अपने वॉच टाइम पे फोकस रखो, ठीक है, आपकी रैंकिंग अच्छे से होगी, ठीक है। सेकंड थिंग ये बताने जा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी जरूर लाओ। रैंकिंग करवानी है वीडियो की, आपके वीडियो में आपके चैनल पे एक ऐसी वीडियो जरूर होगी जो सबसे स्पेशल होगी, मतलब सबसे स्पेशल लाइक सबसे ज़्यादा व्यूज होंगे, उस वीडियो को पकड़ के रखो। उस वीडियो को पकड़ के रखने का मतलब है उस वीडियो पे आप कंटेंट बनाई जाओ कि ये ऐसे करना है, इसकी अनबॉक्सिंग होगी या इसके बारे में आपको किसी के बारे में बताना है, इसकी बायोग्राफी होगी, इसका लाइफस्टाइल हो गया, जरूर ये टिप्स फॉलो करिएगा, क्योंकि ये मेरा मैंने अपना 2017 में शुरू किया था YouTube चैनल, तो 2017 ये 2019 चल रहा है, मेरे 2 साल में 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, बहुत ही मतलब लंबी जर्नी देखो, 10,000 सब्सक्राइबर 2 साल में हुए। आजकल क्या है लोगों के 10,000 एक महीने में हो जाते हैं, फिर 50,000 तीसरे महीने में, फिर 1,00,000 हो जाए 4 महीने में, आपके भाई को 24 महीने हो गए 2 साल, तो 10,000 सब्सक्राइबर्स अभी कंप्लीट हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने जो गलतियां की है मैं आपको बता रहा हूँ, वो गलतियां आप नहीं करोगे मुझे पता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, मैं आपको ऐसे टिप्स देता रहूंगा, और चैनल को लाइक करिएगा। मैंने एंड में इसलिए बोला, ये लाइन एंड में ही बोलनी चाहिए हर यूट्यूबर्स को, क्योंकि जो लास्ट तक रहता है ना वही आपका ट्रू ऑडियंस होती है, वही आप में इंटरेस्ट दिखाती है, ट्रू ऑडियंस, हमें फेक ऑडियंस नहीं चाहिए, ठीक है। फेक ऑडियंस का ये मतलब खराब होगा कि आपने मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि कईयों के लाख 3-3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं बट व्यूज है 600, 700, 800, उसका रीजन भी बताऊंगा।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्रियांशु व्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब करिएगा एंड चैनल को लाइक करिएगा। कमेंट में जरूर पूछेगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब दे दूंगा। अगर छोटी सी प्रॉब्लम होगी मैं रिप्लाई में जवाब दे दूंगा। सो गाइस थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।